हेलो गाइस, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके और साइंस और सभी टॉपिक्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपका हमारे चैनल विद्यापीठ अकेडमी पर स्वागत है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द साइंस। विज्ञान का पिता और विज्ञान का जनक कहा जाता है गैलीलियो को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस लेंस का, दो दोष होते हैं हमारे पास, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ये हमारा आँखों से संबंधित है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता किससे नापी जाती है। लेंस की क्षमता नापने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं डायोप्टर। देखिए, दो प्रकार के लेंस होते हैं हमारे पास, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये मैंने पहले आपको करवाया भी है, उत्तल और अवतल के बारे में, दोनों के बीच में डिफरेंस, और इसकी क्षमता जो है डायोप्टर में मापी जाती है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है। आई जो है हर क्वेश्चन पेपर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारे पास, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। जो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो होती है वो लाल रंग की सबसे अधिक होती है। सात कलर्स हमारे पास होते हैं जिसको हम वेव गोए के फार्मूले से याद करते हैं। अगर आपने वेव गोए का फार्मूला नहीं याद किया था, आप उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछा है कि किसने दिया था। तो ये हमारा न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन ने तीन नियम दिए थे ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये भी आपको डिटेल में अगर नहीं याद है तो आप इसको साइंटिस्ट का नाम ज़रूर याद रखिए। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है, यानी कि दूध की जो शुद्धता की मात्रा जो है वो जांच की जाती है, किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा, हमारा जो लैक्टोमीटर उपकरण होता है उसके द्वारा। फिर हमारे पास है, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। गुब्बारे तो आप सभी ने देखे हैं, उसके अंदर हमारे पास हीलियम गैस जो होती है वो भरी जाती है, हीलियम गैस के कारण ही गुब्बारा फूलता है। किस रोग से, देखिए हीलियम वाला भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से माना जाता है, क्योंकि गैस जो है वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट का। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, यानी टीबी। बीसीजी का जो टीका होता है वो हमारा किसके लिए दिया जाता है, टीबी के लिए। इसका फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को ही हम टीबी कहते हैं, और बीसीजी का जो टीका है वो दिया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है, हमारे यूरिन का जो कलर होता है वो येलो किसके कारण दिखाई देता है, यूरोक्रोम। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से माना जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। फिर हमारे पास, लार की प्रकृति कैसी होती है। जो हमारा लार की प्रकृति इसने पूछी है, लार हम सलाइवा जो हमारी मुंह के अंदर होती है जहाँ से हमारा पाचन स्टार्ट होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया, इसको टोइलिन जो होता है एंजाइम वो इसको सीक्रेट करता है, और इसकी प्रकृति हमसे नेचर उसकी पूछिए वो हमारी होती है क्षारीय, एसिड बेस और साल न्यूट्रल, आपने पढ़े होंगे। इसके बाद, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है वो हमारे पास होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2। सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास होता है उसका सबसे ज़्यादा कॉमन नाम जो होता है वो क्या यूज किया जाता है, वो हमारे पास होता है धावन सोडा। व्यापारिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट का वो धावन सोडा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास सोनोग्राफी वाला जो क्वेश्चन आता है वो आपका बायोटेक्नोलॉजी से है। सोनोग्राफी में किस प्रकार की वेवलेंथ जो होती है वो किस यूज की जाती है, तो हमारी पराश्रव्य तरंगों का। ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, क्योंकि वेवलेंथ में से क्वेश्चन हमेशा आता है।
फिर हमारे पास क्वेश्चन है, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? डायनासोर जो है वो कौन से वर्ग में रखा गया है? सरीसृप के अंदर। यह हमारे क्लासिफिकेशन से संबंधित था। बर्फ जल में तैरता है क्यों? क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। देखिए, जो चीज़ तैरती है वो हमेशा कम घनत्व की होती है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है। इसका रीजन कई बार रीजन और एसेसमेंट में से पूछा जाता है इसको, कि कौन सा इसका रीजन सही है, कौन सा आंसर इसका सही है, और अगर सही है तो क्यों। इसका रीजन में भी ज़्यादातर आता है या फिर मैच करने में आता है। फिर हमारे पास है, किस यंत्र के द्वारा यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, इन्वायरमेंट प्रेशर की? इन्वायरमेंट प्रेशर जो है हमारा वो बैरोमीटर की मदद से मापते हैं। उसका मेजरमेंट जो है वो बैरोमीटर से किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट में से है। इन्वायरमेंट जो है हमारा हर एग्जाम का मेन टॉपिक है। उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप उसको ध्यान में रखिए। रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? हमारा जो फ्रिज होता है उसको ठंडा रखने के लिए जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? वो हमारी गैस होती है फ्रियोन। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है। फिर हमारे पास है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? फ्यूचर मेटल के नाम से जो जानते हैं वो हमारे पास है, कौन सी मेटल है? टाइटेनियम। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम हार्डेस्ट मेटल पूछा है इसने, तो वो हमारे पास होता है हीरा। फिर हमारे पास है, आगे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये तो मैंने आपको ट्रिक से पहले भी बताया था कि विटामिन बी और सी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ए डी ई और के। इसको हम कीड़ा की ट्रिक से याद कर सकते हैं, के ई डी ए। ये जो हमारे होते हैं फैट में सोलबल होते हैं, और विटामिन बी और सी जो होते हैं वो हमारे वाटर में सोलबल होते हैं। फिर हमारे पास, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो RBC जो हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ पर बनती हैं? तो ये हमारी बनती हैं अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। इसको हम बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने मेरी पहली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जो प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं? हमारी बोन मैरो में। RBC हमारी कहाँ पर बनती हैं? बोन मैरो। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? यानी विटामिन की कमी के कारण जो रिप्रोडक्टिव विटामिन ई, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि वीडियो में, कि विटामिन ई जो होगा हमारी किस में मदद करता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट है, दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? दूध में हमारे पास लैक्टिक अम्ल होता है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है उनके आगे मैं आपको अलग से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखकर बता रही हूँ। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ECG, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो मलेरिया हमारी डिजीज होती है उसमें कौन सा रंग हमारा इफेक्टेड होता है? ये होता है हमारा पलिया। इसको हम बोल सकते हैं स्प्लीन, हमारा बॉडी पार्ट्स। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज़ किसकी कमी के कारण होता है? हमारा इंसुलिन की कमी के कारण हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है, वो इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है, उसका एब्जर्वेशन नहीं हो पाता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो है हमारे पास, प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? यानी कि इसने पूछा है कि हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो हमारे पास 4 होते हैं स्तनधारियों में, 2 लेफ्ट और 2 राइट, यानी कि राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ओरिकल। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? दांतों और हड्डियों में हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम के कारण हमारे विटामिन डी, कैल्शियम जो है वो दूध में मिलता है और उससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। एक व्यस्त मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं?
यानी कि जो एक बड़ा है कोई भी उसी के अंदर 206, लेकिन इन्फेंट्स जो हमारा होता है उसके अंदर 306 या 280 भी मिलती हैं, फिर वो ज्वाइन करके ज़्यादा बना लेते हैं। कौन सा मानव शरीर की हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? जो हड्डी और पेशी को जोड़ने का काम करता है वो होता है हमारा टेंडन। टेंडन से हड्डियाँ और पेशियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में होता है? यानी कि इसने पूछा है कि हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ पर होता है, प्रोड्यूस उत्पादन प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर बनता है हमारा। मानव शरीर के अंदर छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हमारा भोजन पूरी तरह से पच के कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो दो बार विकसित होते हैं, यानी दो बार जो आते हैं। इसके बाद हमारा देखिए, आप इसको दांत वाले को भी इम्पोर्टेंट में ले सकते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये पहले भी हमारा आ चुका है, लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है मैंने आपको बताया था टाइलिन। इसको कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? जो जल के साथ रिएक्शन करती है वो होती है हमारे पास सोडियम और पोटासियम, जिसको अगर हम पानी के साथ खुला छोड़ दें तो उसमें आग लग जाती है। तो ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में ले सकते हैं, सोडियम और पोटासियम इसका सही आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कक्ष कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? कि ये पीरियोडिक टेबल से हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 18वां, जिसमें संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय जो तत्व होती हैं उनको रखा गया है हमारे पीरियोडिक टेबल के 18वें कोष के अंदर। यह हमारा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन लिया गया है। मेटल और नॉन मेटल जो पार्ट्स होता है हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप अगर पूरा याद नहीं कर सकते तो इसके पीरियोडिक टेबल आप ज़रूर याद रखें। फिर हमारे पास है, जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इकोलोकेशन जो होती है वो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, लोकेशन यानी कि पानी की जो गहराई है उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है इकोलोकेशन जहाज़ के अंदर। फिर हमारे पास है, किसी निकाय को एक समानवर्ती गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। समानवर्ती गति में चलाने के लिए आवश्यक जो नियत बल होता है उसको हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ये हमारा फिजिक्स में से लिया गया है, मोशन एंड मोमेंट से। ये भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में ले सकते हैं। माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है? जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से मेल और फीमेल जो होते हैं वो किससे हमारे पास, देखिए लेडीज़ के अंदर तो हमारे पास XX क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन जेंट्स के अंदर हमारे पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं। तो चाहे वो हमारे पास कोई भी जेंडर हो, उसमें पिता के गुणसूत्र पे क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। फिर हमारे पास, ठोस कोयले का तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं द्रवीकरण। ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वो द्रवीकरण कहलाती है। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? मोशन से हमारे पास लिया गया है। दूसरा समीकरण जो है वो स्थिति और समय के बीच में, यानी कि टाइम और पोजिशन, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन इन बिटवीन द पोजिशन एंड टाइम। एक पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाने से उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो सकती हैं, यह किसके कारण होता है? जब आपने देखा होगा हवा के कारण भी पेड़ हिलते हैं तो उनकी पत्तियां नीचे गिरती हैं, वो किसके कारण होता है? वो हमारा होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ से अलग हो जाती हैं, लेकिन जो कच्ची पत्तियाँ होती हैं या कम पकी हुई पत्तियाँ होती हैं वो ऊपर टिकी रहती हैं, पेड़ के साथ चिपकी रहती हैं। फिर हमारे पास है, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है?
किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय यानी कि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे पास अवायवीय श्वसन होगा, एनारोबिक जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं, पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन लिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर हमारे पास कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं। इसमें हमारे पास 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं, 18 जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं। फिर हमारे पास इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम एसिटिक एसिड होता है, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है, एसिटिक एसिड। हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, ये मैंने आपको पहले